Competitors, on your mark. धनाधन साला हर साल की तरह इस साल भी फर्स्ट आ गया। अरे वो साल भर प्रैक्टिस करता रहा इसलिए जीता है, तुम दिन भर पीते रहते हो। साले अपने बाप का पीता हूँ, किसी के बाप का तो नहीं पीता। अरे मुझ पर क्यों भड़क रहा है यार, मैं तो पीछे से फर्स्ट आता हूँ और तुम बीच में रुक जाते हो। तेरी बुलबुल तो जीत गई रे। कैसे नहीं जीती, मेरी बुलबुल जो ठहरी। कंग्रेचुलेशन आशा। ओ थैंक यू, कैन आई हैव अ पिक्चर प्लीज? ओ श्योर, वन मिनट। या ऐसी राइटअप दूंगी अपने पेपर में कि तुम ही याद रखोगी किसी जर्नलिस्ट से पाला पड़ा था। अच्छा, रेडी? या देयर यू गो, थैंक यू। क्यों हार गई ना बिचारी की टांगों को प्रैक्टिस कहां रही? धनाधन क्या हुस्न है, क्या जिस्म है, क्या चाल है, क्या माल है, देखने वालों का बड़ा ही बुरा हाल है। यू ब्लडी स्काउंडल। आई या श्रीकांत, अगर ये बर्फी का टुकड़ा एक दिन के लिए भी मिल जाए ना तो कसम से मैं दूसरे ही दिन खुदकुशी कर लूंगा। या खुदकुशी क्यों करेगा जानी, पटाने का तरीका सीख। अरे ऐसा बोलो यार, मैं इस लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लड़की ऐसी वैसी नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। अरे साले मोटू, पैसे में बहुत दम है, फिर लड़की क्या चीज है? पैसा फेंको, तमाशा देखो। शराब श्रीकांत, तुम शरीफ लड़कियों से इतनी बेहुदा बातें क्यों करते हो? आइए आइए, शराफत की देवी तो चली गई, उसकी हिमायत लेकर शराफत का देवता आ गया। अबे क्या आशा तेरे दिल का टुकड़ा है और उस बुलबुल के लिए हमसे टकराते हैं? अगर वो मेरे दिल का टुकड़ा होती तो मैं तुम्हारी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर देता, याद रखो। अरे श्रीकांत, तेरा कजन तो बहुत गुस्से वाला है, हर रास्ते में तुम्हारा कांटा बन जाता है। हाँ यार, ये साला हर जगह मेरा दुश्मन है, घर में, कॉलेज में, मगर इस बार कराटे कंपटीशन में मैं साले को बता दूंगा कि मैं भी क्या हूं।
धर्मदास, मैं मोहन राज बोल रहा हूँ। हाँ, वो प्रोजेक्ट हमारा ही है, 25 करोड़ में खरीदना है सिर्फ उसे। तुम एक काम करो, वो जमीन किसी भी कीमत में हासिल करके रखो। हाँ, वो फैक्ट्री वाली, क्या हुआ? स्टील की फैक्ट्री को 48 करोड़ में खरीद रहा है? तुम 55 करोड़ देकर खरीद लो उसे। तुम मेरी फितरत से वाकिफ हो कि जिस चीज को मैं एक बार पसंद कर लेता हूँ उसे हासिल करके रहता हूँ। जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, चाहे उसके लिए मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाए या लाखों की जान चली जाए। ये काम किसी भी तरह होना चाहिए, अंडरस्टैंड? ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो, यस, जस्ट अ मोमेंट प्लीज सर, मैनेजर्स फोन। क्या है? मैं शंकर बोल रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हैं यार तुम? व्हाट सर? तुमसे नहीं, इसे कह रहा हूँ। क्या है? सर, वर्मा साहब ने आपको सलाम भेजा है। ये कौन सा जूता है? जूता सर? अरे तुमसे नहीं कह रहा, तुम ठहरोगे एक मिनट। हाँ, क्या कर रहे थे? इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? हाँ तो वो वर्मा साहब कह रहे थे कि वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, अगर आपका सपोर्ट मिला तो शायद इलेक्शन जीत जाएंगे। उनसे कह दो 5 करोड़ दे दूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि मैं आज उनका ख्याल रख रहा हूँ, इलेक्शन में जीतने के बाद वो हमारा ख्याल रखें, क्योंकि अगर मुझे किसी को कुर्सी में बैठाना आता है तो कुर्सी के पैर काटने भी आते हैं। कह देना उनसे। ओके सर। गुड मॉर्निंग डैडी। मॉर्निंग। ये क्या है? मामूली सी चोट है। कहाँ लगी? वो क्या हुआ डैडी, कॉलेज के कराटे कंपटीशन में लग गई। तुम उस कंपटीशन में हार गए? उठो, गेट अप, गेट अप। मोहन राज जैसे सारी दुनिया हार जाती है, उसका बेटा एक मामूली कराटे के मुकाबले में हार गया। हमें हार से नफरत है, इतनी नफरत है कि कभी हम फूलों का हार भी नहीं पहनते। याद रखना इस बात को। हैं? कैसे लगी? किसे मुकाबला था? अर्जुन से। मतलब मेरे भाई के बेटे से। तो आप अपने जज भाई साहब को समझा दीजिए कि ये सिर्फ उनकी बहन का बेटा नहीं है, सेठ मोहनराज का इकलौता बेटा भी है। हाँ मालूम है मोहन बाबू, बिल्कुल मालूम है। श्रीकांत तुम्हारा बेटा है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं हमारा भी बेटा है। कैसे हो बेटे, बहुत चोट तो नहीं आई? आपको और आपके बेटे को हम लोगों से कितना प्यार है वो तो उसकी हालत से जाहिर है। प्यार के जोश में आके हाथ ही तोड़ कर रख दिया। अरे नहीं अंकल, मैंने जानबूझ के तो नहीं तोड़ा, लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे सजा दे सकते हैं। अरे तुम्हें सजा देने से श्रीकांत का हाथ थोड़े ही ठीक हो जाएगा भाई। हमें तो खुशी है, कम से कम चैंपियनशिप घर में तो रही, एक बेटा नहीं तो दूसरा बेटा जीत गया। आखिर तुम भी तो हमारे बेटे हो। बैठी बैठी। आओ भाभी बैठो। बैठने का सर। अरे तुम भी बैठो ना। बैठो सर। बैठो। अंकल लगता है कि आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। बात यह है कि मैंने कॉलेज में ही श्रीकांत से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन वो नाराज होकर चला गया, इसलिए मैं मम्मी डैडी के साथ श्रीकांत से माफी मांगने आया हूँ। श्रीकांत, ये अर्जुन ठीक कर रहा है? तो तुमने तो बताया नहीं किसने माफी मांगी थी। अरे हराने वाले से बदला लेना चाहिए, मगर पछताने वाले को कभी माफ भी कर देना चाहिए, ये बड़े बन की निशानी है। चलो उठो, तुम्हें गले मिलो। कमान कमान कमान, हरिए उठो। श्रीकांत, एक भाई अपने भाई को हराकर अपनी जीत नहीं समझता। देखो अर्जुन, जब भाई और भाई का मुकाबला होता है तो एक भले ही हार जाता है, मगर जीत दोनों की होती है। वाह शाबाश। बिल्कुल बिल्कुल। आशा, ओ आशा, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ कर आई हूँ। मगर किस लिए? याद है फोटो लेते वक्त मैंने कहा था बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखूंगी। हाँ हाँ, तो फिर? अब तो आर्टिकल में 4 चांद लग जाएंगे। यू हैव बीन सिलेक्टेड द कॉलेजेस बेस्ट एथलीट और साथ ही मेरिट स्कॉलरशिप भी मिला है। माय गॉड, तुम पेपर वालों को पता नहीं कहाँ कहाँ से खबरें मिल जाती है। अरे मेरिट स्कॉलरशिप का तो अभी तक किसी को पता नहीं है। भूलो मत, मैं बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हूँ। अरे तुम्हारे पास पेन होगा? वाह क्या खूब जर्नलिस्ट हो, एक पेन भी पास नहीं रखती? ये लो। पता नहीं हमेशा पेन ही भूल जाती हूँ। थैंक यू। एक काम करते हैं, हॉस्टल चलते हैं, ये आर्टिकल मैं वहीं लिखती हूँ। ना बाबा ना, देर बहुत हो जाएगी, भैया इंतजार करेंगे। क्या इम्पॉसिबल? तुम तो इम्पॉसिबल ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें मेरे भैया का घर में आने का और घर से जाने का टाइम टेबल जबानी याद है। मुझे क्या, सारे शहर को याद है, सारा शहर जानता है और सर फिर इंस्पेक्टर को। जब आधी रात को सारी दुनिया खराटे ले रही होती है, तेरे भैया अंधेरी गली कूचों में गुंडों मवालियों को ढूंढकर उनकी हड्डियां तोड़ता रहता है।
ए, बोलो ये कौन सा मटका है? बॉम्बे मटका है, सिंगापुर मटका? तुम्हारा मटका किंग कौन है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बच्चों याद रखो, मेरा नाम है इंस्पेक्टर अशोक। अब तो बताओ कौन है तुम्हारा वो साला मटका की? नमस्ते अब्दुल्ला भाई। नमस्ते लाला, कुछ कैसा हुए? सलाम अलैकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो, हमारी किस्मत खुश रहो। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या लगाया? 21 से 8 कोई जान से नहीं है, बन गया आएगा। या मेरे परवरदिगार, या अल्लाह ताला, मैं बदकार गुनागार, गरीब की यही रोजी है, खोचे जैसी भी है जो भी है, तू इस कमाई में बरकत दे। नंबर गया मेरा तो ही लगा, तेरा लगा यार। अबे तेरा क्या हुआ? नंबर गया। तो तुम ही हो इस शहर के मटका किंग, मटके का बादशाह अब्दुल्ला। ओ खोचे, लगता है बच्चे तुम नया नया इंस्पेक्टर बनकर इस शहर में आया है। खुदा कसम, अगर तुम पुराना इंस्पेक्टर होता तो हमारा ताश का पता को हाथ नहीं लगा सकता था। खैर कोई बात नहीं, आज से हमारा तुम्हारा रोज का मिलना जुलना रहेगा, और हमारा आदमी तुमको अब्दुल्ला खान से बातचीत करने का तरीका सिखा देगा। पहले हम 5,000 रुपया हफ्ता देता था, अब 10,000 देगा। तुम भी क्या याद करेगा अब्दुल्ला खान से पाला पड़ा है, वो लाले की जान। ये लो। ओ इंस्पेक्टर, तुमने अपना इस हरकत से अब्दुल्ला खान को ललकारा है। तुम जानता नहीं है अब्दुल्ला खान क्या चीज है। अल्लाह के नाम को बदनाम करने वाले अब्दुल्ला को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और इतना जानता हूं वो शायद खुद अपने आप को भी नहीं जानता होगा। ये क्या है? सारी गड्डी इक्के और चौकों से भरी है। अरे खूब चूस लिया। बेवकूफों, अगर आगे है तो देखो,
तुम अपनी मेहनत की कमाई कैसे हराम में उड़ाते हो? तुम गरीबी के जाल से निकलने के लिए मटका खेलते हो और ये तुम्हें अपने बेईमानी के जाल में फंसा कर फिर गरीबी के जाल में डाल देता है। देखो इस आज की गड्डी को, यहाँ इसने वही पते रखे है जो इसको चाहिए, जिन्हें निकाल कर तुम्हारी कमाई को हतम कर जाता है। अब्दुल्ला, लोगों का विश्वास तुम पर से टूट गया है, अब मेरे हाथों हड्डियां टूटवाओगे या सीधी तरफ पुलिस स्टेशन चलोगे। वो कोचे तुम क्या अब्दुल्ला का हड्डी तोड़ेगा पुलिस स्टेशन ले जाएगा? अब्दुल्ला को आज तक कोई माई का लाल पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सके। मगर ये माई का लाल तुझे लेकर जाएगा अब्दुल्ला। वो कोचे क्यों जवानी में कफन पहनना चाहता है इंस्पेक्टर का बच्चा? तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए हम वर्दी को कफन समझ कर ही घर से पहन कर निकलते हैं। अबे जलील के औलाद, रिवाल्वर में सिर्फ 6 गोलियां होती हैं। अगर तुम्हारी नजरों में इस्लाम की इज्जत है अब्दुल्ला, अगर तुम कुरान मजीद को उस खुदा की पाक किताब समझते हो, अगर तुम्हारी रगों में एक सच्चे मुसलमान का खून है, तो अपने गुनाहों से तौबा कर लो। इस बेईमानी के काम को छोड़कर अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बोलो क्या कहते हो? अब्दुल्ला को अल्लाह का नाम प्यारा है या बेईमानी और जुआ प्यारा है? क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला? मैं तुम्हें हथकड़ी नहीं लगाऊंगा, तुम अपने हाथों से हथकड़ी लगा लो। वाह, वो इंस्पेक्टर वाले के तुम खोचे बहादुर का बच्चे वो। अगर दोस्त हमको पहले मिल गया होता तो अब्दुल्ला एक बदमाश नहीं अल्लाह का नेक बंदा होता। क्या हुआ आशा? देखो ना प्रमिलो, ये भी कोई शराफत है? एक तो बिना पूछे मेरी तस्वीर कीजिए और फिर मेरे सामने उसे किस करता है और फिर गंदी गंदी बातें भी करता है। कितना बदतमीज है, क्या समझते हैं अपने आप को? ए मिस्टर, ऐसी गंदी और बेहुदा हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? इसमें शर्म आने की क्या बात है, हम लोग एक ही उम्र के हैं, जवान है, कुछ भी कर सकते हैं। Who the hell are you to interfere? I am a journalist. अच्छा? अपने अखबार में तुम्हारी हरकतों के साथ तुम्हारी तस्वीर छपा कर तुम्हें बदनाम कर दूंगी। अरे जा जा, बढ़िया ही तस्वीर छापने वाली, तू मुझे नहीं जानती। मैं सेठ मोहन राज का इकलौता बेटा हूँ, ऐसे 10 अखबार खुलवा कर बंद करवा सकता हूँ। वाह वाह वाह, इतने बड़े बाप के बेटे होकर ये जलील हरकतें करते हो? ये कॉलेज है मिस्टर कॉलेज, तुम्हारे बाप का कोई क्लब नहीं है? मेरे लिए कॉलेज हो या क्लब कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपनी धमकियां अपने पास ही रखे मिस जर्नलिस्ट। मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूंगी। प्रिंसिपल क्या कर लेगा, उसे भी तो मेरे ही बाप ने रखवाया है।
और वैसे जितनी पगार प्रिंसिपल साहब को महीने भर में मिलती है उसे तो हम एक ही दिन में उड़ा देते हैं। आशा, आज जो कुछ भी हुआ इसका जवाब तुम्हें ऐसे दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। अरे जा, लोग कहते हैं मेरी आंख में सुअर का बाल है, जिसके पीछे पड़ जाऊं उसका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ता। देखा प्रमिला, कितने नीच और बेशरम लड़के हैं। जरा अपने भाई ऐसे कह दो, दो मिनट में दौलत का नशा उतार देंगे वो। ना बाबा ना। हाँ प्रमिला, तुमसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये बात भैया के कानों तक ना पहुंचे। क्या? हाँ, कॉलेज की बात है ना, कॉलेज तक ही रहे तो अच्छा है। लेकिन ये, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, प्लीज बोलो प्रॉमिस। अच्छा बाबा, तुम कहती हो तो प्रॉमिस, लेकिन तुम भी इन जैसे लड़कों से बहुत दूर है ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई। हाँ, मैं तुम्हें ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की तस्वीरें देने आई थी। लो। थैंक यू प्रमिला। कौन सी किताब चाहिए तुम्हें? हेलो आशा। हाय। अरे रे, अरे यू, उठो आशा। I'm sorry Asha. Sorry कहने से क्या होता है? चेहरे पे आंखें नहीं है क्या? Hey Mister, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? एक बार समझाने से समझ में नहीं आया क्या? मैंने तो तय कर लिया आशा कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसका जवाब मैं तुम्हें पहले दे चुकी हूँ, समझे? अयो, शकीला, जमीला, उर्मिला, पार्वती, सावित्री, अरुंधति, प्रमिला, तुम सबके नाम याद आ गए, सिर्फ मेरा नाम याद नहीं आया। कौन है ये सब? वो सब मेरी बहनें हैं। अच्छा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? अरे अरे प्रमिला, पहले मेरी बात तो सुनो। तुम्हारा नाम तो मेरे दिल की गहराई में उतरा है ना, बाहर आने को थोड़ा वक्त लगता है। अरे अरे, नाराज क्यों होती हो? मुझे तो तुम्हारे लम्हे ही पता चल गया था कि तुमने ही मेरी आंखें बंद की थी। मैं तो मोहब्बत का मजाक कर रहा था। मोहब्बत का मजाक? क्यों, मैं मोहब्बत नहीं कर सकता? मोहब्बत और तुम, अरे मैं जब भी आती हूँ तुम्हें इस वर्दी के चक्कर में देखती हूँ और सोचती हूँ कि शादी के बाद शायद मुझे ही तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, मैं तो भूल गया, आज आशा का कॉलेज नहीं है, वो मार्केट गई है, अभी आ जाएगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, फौरन चली जाओ प्लीज। देखा, आगे ना घूम फिर के उसी जगह पे। यू राउडी इंस्पेक्टर, अपनी बहन से इतना डरते हो? अरे वो मेरी बहन ही नहीं, माँ भी है, अगर उसे हमारे प्यार का पता चल गया तो क्या हुआ? वो मुझे भाभी कहना शुरू कर देगी बस। भाभी? भैया मर गया। आओ बहन आओ। अरे तुम थक क्यों गई हो? साइकिल पंक्चर हो गई, रास्ते भर साइकिल को घसीटते घसीटते मेरा बुरा हाल हो गया। कहाँ जा रही हो? मुंह धोने। मुंह धोने की क्या जरूरत है, तुम तो अच्छी बली हो। पसीना आ रहा है ना भैया? पसीना तो मुझे आ रहा है। देखो तुम नीचे वाले बाथरूम में जाकर मुंह धो लो। क्यों? अरे इसमें पानी में से पाइप नहीं आ रहा है। क्या? मेरा मतलब पाइप में से पानी नहीं आ रहा है। चूहा, चूहा। अब ये कौन है? वो ए, 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 ए। भैया
आप तो किसी प्रमिला को नहीं जानते थे ना, तो फिर ये कौन है? वो तुम उसी से पूछ लो। सबकी भाभियां तो घर के दरवाजे से अंदर आती है, मगर एक हमारी भाभी है जो बाथरूम के दरवाजे से अंदर आई है। हाँ, तुम्हारे भाई के कारण। चलो भाभी, अब तौलिए से बदन पोंछ लो। अरे आओ ना, चल चलो चलो। धनाधन, क्या नजारा है। लगता है हमारे प्रिंसिपल साहब को इस बार अकल आ ही गई। एक्सकर्शन के लिए क्या खूबसूरत जगह चुनी। सही है, इट्स वंडरफुल। या आशा, क्या है? कितनी खूबसूरत जगह है, क्या मैं आप लोगों की फोटो ले सकता हूँ? जी नहीं, मुझे आपकी मेहरबानी की जरूरत है, समझे? ये पीने के बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों को ही मुझे उठाना पड़ेगा। उठाएंगे बाबा, उठाएंगे। जैसे लोग गणपति बाबा को उठाते वैसे तुझे भी उठाएंगे। गणपति बाबा मोरिया, पूजा मोरिया। आजा, आजा। क्या बात है, हम लोग बहुत थक गए हैं, हम नहीं आएंगे। हाँ, यही बैठेंगे। अरे बाबा, तुम लोग आओ ना, हम लोग जरूर जाएंगे। क्यों हीरा, इसका नजारा हम लोग नीचे से देखेंगे। चल, अरे आजा आजा। कितनी सुंदर जगह है ना, ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए। अरे हीरा, जरा देख तो, इधर से आबशार कितना सुंदर दिख रहा है ना। ब्यूटीफुल। वो देख, उधर छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं। हाँ, वो उधर पत्थर गोल गोल है ना बाबा, ने कहा था कि जल्दी आना। हाँ बाबा, चलो ना, इधर फिसलन बहुत है, मैं पहले चप्पल उतारू। हम लेट हो जाएंगे। नहीं बाबा, डोंट वरी, आई एम जस्ट कमिंग। आशा, आशा, आशा कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई, चलो देखें। आशा, आशा, आशा। आशा, आशा,
ये दोनों मुलजम मिस सुधा और यशपाल एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। ये भी सही है कि इन दोनों के माँ बाप इनकी शादी के लिए रजामंद नहीं है, मगर इन्होंने प्रेम का बंधन टूटते देखकर जिंदगी का बंधन तोड़ने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश की, जो बहुत बड़ा गुनाह है, कानून की नजर में जुर्म है। मगर इनको ये जुर्म करने से पहले ही जाए वारदात पर पहुंचकर इंस्पेक्टर अशोक ने गिरफ्तार कर लिया और वही इस मौके के चश्मदीद गवाह भी हैं। लिहाजा मेरी दरखास्त है कि अदालत ये सोचकर कभी इन पर रहम न करे कि इन्होंने हालात से मजबूर होकर खुदकुशी करने की कोशिश की, बल्कि ये सोचकर इंडियन पीनल कोड दफा 309 के तहत इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे कि इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, जो एक गैर कानूनी काम है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर यशपाल, मिस सुधा, पुलिस प्रोसिक्यूटर के इस बयान के बाद तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? यस सर, ये इल्जाम हम पर गलत है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों टहलते टहलते पानी के करीब गए, वहाँ थोड़ी सी फिसलन थी, मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर पड़ी। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं वराना। जब मैंने इन्हें पानी से निकालने की कोशिश की तो ये मुझसे अपने आप को छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगे और साथ साथ कहते जा रहे थे, छोड़ दो हमें, हमें डूब जाने दो। बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने दोनों पर काबू पाया और बाहर निकाल लाया, और अब ये बच गए हैं तो सजा के डर से झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर अशोक, तुम्हारे पास कोई खास सबूत है या कोई और गवाह है जो साबित कर सके कि ये दोनों डूबने की कोशिश कर रहे थे और तुमने बड़ी मुश्किल से उन्हें बचा लिया? यस योर ऑनर, इस लड़की ने अभी अभी कहा कि इसका छिकनी जगह से पांव फिसल गया और यह पानी में गिर गई, मगर योर ऑनर वहां फिसलने जैसी जगह कोई है ही नहीं। सीढ़ियों के पास से लेकर 20 फीट पानी के अंदर तक पानी की गहराई सिर्फ 2 फीट है, जिसमें डूबना तो एक तरफ, ठीक से बदन भिगाना भी मुश्किल है। ये दोनों 150 फुट उस नदी के बीच जहां काफी गहराई थी खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे थे। इस केस की हकीकत को समझने के लिए उस तालाब को देखना बहुत जरूरी, क्योंकि वही मेरा सबूत है। मगर योर ऑनर, तालाब तो यहां लाया नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त निकालकर वहां चलकर खुद जायजा ले, और फिर फैसला तो आपके हाथ में है ही। ऑलराइट, द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आइए, यही है वो जगह। अशोक, डोंट डिस्टर्ब देम। अर्जुन। हाँ? मैं तो एक सब इंस्पेक्टर की बहन हूं और तुम एक बहुत बड़े जज के बेटे हो। क्या तुम्हारे पिताजी मुझे अपनी बहू बनाना पसंद करेंगे? आशा, तुम मेरे पिताजी को नहीं जानती, वो हमारे प्यार के साथ जरूर इंसाफ करेंगे, अपनी दौलत या जिद की दीवार के साथ हमें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे डर है तो सिर्फ तुम्हारे भैया से, जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि सारा शहर उन्हें राउडी इंस्पेक्टर कहता है। आशा, अगर भगवान न करे तुम्हारे भैया और मेरे माँ बाप हमारे रिश्ते के लिए राजी ना हो, तो क्या तुम मेरे साथ वहां चलने को तैयार होगी जहां कोई हम दोनों को अलग ना कर सके? हाँ अर्जुन, जहां तुम कहोगे वहीं चलूंगी। अशोक, इन बच्चों का आशियाना हम आसमानों में नहीं, इसी धरती पर बनाएंगे। मिला हाथ। कम ऑन अशोक। Happy honeymoon to Asha and Arjun. By Shrikant and Happy. बहुत अच्छी है। चलो आशा, all the best अर्जुन। चलो बैठो गाड़ी में बैठो। अर्जुन, आज का दिन बड़ा ही खुशी का दिन है। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखें।
विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू श्रीकांत। अच्छा चलो बैठो। इंस्पेक्टर, तुम्हें अपनी वर्दी का बहुत गुरूर है ना? अब तुम घुटने टेक कर हमारे पास आओगे, क्योंकि तुम्हारी प्रमिला इस वक्त हमारे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो फौरन विहार लग पहुंच जाओ, मगर ख्याल रहे अकेले सिर्फ अकेले, ये प्लस ये। अशोक तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? कहाँ है वो लोग, कौन है वो लोग? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, कौन है वो लोग? कौन से लोग? जिन्होंने मुझे ये धमकी वाला खत लिखा है। खत? हाँ ये देखो, मेरे हॉस्टल के कमरे में पड़ा था। देखो देखो मैं पढ़ती हूँ। प्रमिला अगर तुम्हें इंस्पेक्टर अशोक की जिंदगी प्यारी है तो फौरन ब्लू लेक पहुँचो, मगर किसी को खबर दिए बिना। हमारे आदमी तुम्हें चारों तरफ से देख रहे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत हमदर्द। कमाल है, मुझे भी ऐसा खत मिला है। क्या? हाँ देखो, मगर ये प्लेस ये कौन है जो हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? ए प्लस ए, कहीं आशा और अर्जुन तो नहीं? आशा और अर्जुन वो तो शादी करके हनीमून मनाने के लिए चले गए और हमको ये मैसेज दे के चले गए कि
गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. गाड़ी में सामान पड़ा है, जाकर ले आओ. जी अच्छा. चलो आशा. एनी हाउ टुमारो आई विल सी यू. थैंक. एक्सक्यूज मी. यस प्लीज. मेरा नाम अर्जुन है, मैंने फोन पे रूम बुक किया था, आप जरा चेक कर सकते हैं? जस्ट अ मोमेंट. अरे अरे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यही ना कि कितनी अच्छी जोड़ी है. इन दीवार दीवार तेरी आंखें भी वही देख रही हैं जो मेरी आंखें देख रही हैं. मेरी आंखें भी इस छोटे चांद की चमक से चकाचौंध हो रही हैं बीरबल. हाय. इन्हें कमरा नंबर 104 में ले जाओ. ओके सर. थैंक यू. वेलकम. चलो आशा. चलो. फॉलो मी. यस. कमरा नंबर 104 हमारे पड़ोस वाला ही कमरा है ना? जी हाँ, डिलक्स एयर कंडीशन. लेकिन इन दोनों को देख के मेरी कंडीशन खराब हो गई है. 25 साल पहले जब मैं भी जवानी की कंडीशन में था तो मेरी बीवी भी इसी तरह लहरा लहरा के बल खा के नदी के किनारे चलती थी और मैं मेंढे की तरह उछल उछल के उसके कदमों के निशानों के नीचे गिरता था, चूमता था और फिर आगे बढ़ता था. अबे वो जमाना गया जब तू उछल उछल कर फुदक फुदक कर जमीन पर गिरता था. आज अगर कहीं धोखे से तो जमीन पर गिर गया तो तुझे उठाने के लिए एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगी. भागो भागो जल्दी करो करो करो. थैंक यू सर. दो तीन तीन. ए, तुम ये पत्ते अभी तक सिर्फ तीन के लिए बांट रहे थे? हो बीरबल का और ये साला चलते जा रहा है. चलते? हाँ. पीछे पीछे पीछे. ए, तुम ये दीवार में क्या कर रहे हो? पाले, इश्क की दुनिया का नजारा देखने के लिए दीवार में आंख बना रहा हूँ. अरे साले, जैसे तेरी बीवी मरी है तू दीवार में ही थू थू आग करता जा रहा है. और करेगा भी की? करने देना, जल्दी कर जल्दी कर. आशा. You are really bad. अरे ये तो वहीं से बन गया. ओह आई सी. चलो चल कर देखते. नीचे उतरो. टहरते गुरु बड़ा मजा आ रहा है. ओए नीचे उतरो. तूने कहा था ना दीवार में आग बना के हम सबको नजारा दिखाएगा, वो तू अकेले ही मजे ले रहा है. दीवार में आंख मैंने बनाई, इसलिए सबसे पहले चक्षु आनंद मैं ही लूंगा. ओ, ये कमरा मेरा है,
इसकी सारी दीवारें मेरी हैं, इसका भाड़ा मैं देता हूँ, और दीवार में से झांकने वाला तू कौन होता है? मैं कौन होता हूँ? मानता हूँ दीवार तुम्हारी है, लेकिन दीवार में सुराग बनाने का आइडिया तो मेरा है। बाहर में गया तेरा आइडिया, तुमने सिर्फ एक सुराग बनाया, अगर चार सुराग बनाए होते हम चारों का बना हो जाता। वेरी करेक्ट, बन जा घोड़ा, चलो चलो घोड़ा बनो, झुको झुको, मेरी तो टांगे कांप रही हैं, मुझसे और देखा नहीं जाता, 70 mm प्रिंट अर्थक्वेक। तारे गाना पाधा नीचे ताली था पर मागा दे। तुमसे पहले तो मेरा नंबर है। नंबर क्या पुत्र छाड़ दे, तुम दोनों लड़ो, मैं देखता हूँ। अरे वाह, तुम कहाँ चले? वाह, क्या लैला मजनू की जोड़ी है, न्यू टाइप ऑफ रोमांस, पलंग की बजाय जमीन पर इश्क। जमीन पर परवाह नहीं, मैं एक सुराग नीचे भी बना लेंगे। ये सुराग जरा छोटा है, मुझे एक आंख से कम दिखाई दे रहा है, जरा बड़ा सा बनाना ताकि मैं दोनों आंखों से मजा ले सकूं। अब एक भुजू तो इतना टाइम लगा रहा है, जब तक तो मेरी तमन्नाओं पे बप 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 पानी फिर जाएगा। और नहीं टाइम दे दे पानी को। अरे ये क्या हुआ, वो दोनों फिर पलंग पे चढ़ 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 आ गए। तुम मुझ पर क्यों चढ़ रहे हो, ऊपर से देखो। अरे हाँ, हटो ऊपर से। वो दोनों पलंग पर और तुम जमीन पर। शर्म नहीं आती, बजाय सुराग वहां करने के सुराग यहां कर दिया। ब्यूटी अभी बाहर तो नहीं गई? अभी तक तो नहीं। वेरी गुड, टू सी ब्यूटी इज आवर ड्यूटी। और यही है हमारी मैन अवल जी। आजा। अबे बुड्ढे शैतानों, इनके दरवाजे के सामने ये कुत्तों की तरह क्या पहरा दे रहे हो? जाके नहाओ गंदो बीरबल साहब, नहीं तो बाद में एक बूंद गर्म पानी नहीं मिलेगा। मैं कैसे नहा सकता हूँ बालक, कमरे का किराया तुम देते हो, इसलिए सबसे पहले नहाने का हक तुम्हारा है। तुम नहा लो, तब तक हम उस मखमूर जवानी के दर्शन करके अपनी आंखें गर्म करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, कल हम सबसे ज्यादा इश्क का नजारा इसने लिया था। आ गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। भाई साहब नमस्ते। बैड मॉर्निंग फॉर बोथ ऑफ यू। कल तो हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन आज जरूर करके दिखाएंगे। तुम सब तैयार रहना। इंस्पेक्टर अशोक है। We'll be right back.
संभालो भाभी, अपने आप को संभालो। भगवान तो बसों डूबी हुई नैया को बचा लेता है, वो तुम्हारे बेटे को भी बचाएगा। तुम धीरज रखो भाभी, धीरज रखो। कौन जाने बहन किस जन्म के पाप मेरे सर पे हैं। मैंने जरूर किसी माँ का दिल दुखाया होगा। भगवान मेरे गुनाहों की सजा मेरे औलाद को दे रहा है। राजाराम जी, आप जैसा फरिश्ता सीरत इंसान किसी का क्या दिल दुखाएगा। अगर इस दुनिया में भगवान है और वो सच्चे लोगों का साथ देता है तो हमारे अर्जुन को कुछ नहीं होगा, बचाएगा वो, बचाएगा। मोहनदास, मेरा जवान बेटा, मेरी जिंदगी की एक कमाई मेरे सामने सो रहा है। न इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, न हमारे किसी बात का जवाब देने की ताकत है इसमें। एक बेजान लाश की तरह, जिसका सिर्फ दिल धड़क रहा है और कुछ नहीं। अशोक, मैंने हाथ बढ़ाकर तुम्हारी बहन अपनी बहू बनाने के लिए मांगी थी, मगर मौत के हाथों ने उसे मेरे हाथों से छीन लिया है। मैं आशा को अपने घर की रोशनी बनाकर लाया था, मगर तकदीर ने उसे मौत के अंधेरे में ढकेल दिया है। बस भाई साहब, बस सब्र कीजिए। आंसुओं के सैलाब से जाने वाले लौट कर नहीं आया करते। मगर अशोक, ये सब गम कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा, कैसे सह रहा होगा। इस दुनिया में इसकी बहन ही तो इसका सब कुछ है, उसके सिवा इसका था कौन। आप मेरे दुख, मेरे दिल के जख्मों की परवाह मत कीजिए राजाराम जी। आप अपने आप को संभालिए। मेरे दिल के जख्मों में तो बदले की आग जल रही है, और ये आग उन कातिलों को चिता की आग में जलाकर ही बुझेगी, वरना मुझे अंदर ही अंदर जलाकर काम कर देगी। मैं कातिलों को गिरफ्तार कर चुका हूँ। रियली? जी हाँ, चलिए उनकी सूरतें आपको दिखा दूं। आइए। ये रहे कातिल। सर, हम कातिल नहीं हैं। हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि हमें स्कूल के बारे में कुछ नहीं मालूम। हमारा तो सिर्फ ये गुनाह है कि हम लोगों की प्राइवेट लाइफ को छिप छिप के देखते रहते हैं। ये बिल्कुल सच है सरकार। और ये भी सच है सर कि वो दोनों बच्चे हमारे कमरे के बाजू वाले रूम में ठहरे थे। सर, मैंने इन कमीनों के कहने पर दीवार में सुराख बनाया था। नहीं सर, यही रामजादा कह रहा थी कि वाह 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 की लाया मजनू दी जोड़ी है, मैं दीवार में सुराख बनाता हूँ, बड़ा अच्छा नजारा लवांगे। हाँ। आप ठीक कहते हैं। ये जो कमीना है ना, जितने गंदे अखबार छपते हैं जिनमें नंगी औरतों की तस्वीरें छपती हैं, ये उनका एजेंट है। जब तुम लोगों ने खून नहीं किया तो फिर ये बयान क्यों दिया कि कातिल तुम लोग हो। सर, हम सब लोग खानदानी लोग हैं। ये पुलिस वालों ने हमें इतना मारा कि उनकी मार के डर के मारे ये जो जो बोलते गए हम हाहा करते गए। सर, हमें हमारे बच्चों की कसम कि हमें इस खून के बारे में कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल नहीं मालूम सरकार। सर, आपका फोन। सर, मैं बीमार आदमी हूँ, हवा पानी बदली करने के लिए ठंडी जगह जाता हूँ। मुझे गैस की भी शिकायत है। हर आधे घंटे में अगर मुझे कुछ खाने को ना मिले मेरा पेट फूल जाता है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे कुछ खिलवा दें। मिस्टर गई, इन्हें जो कुछ चाहिए मंगवा कर दे दो। इंस्पेक्टर अशोक हियर। हाँ, आई सी। आप अपने पास रखिए, आई विल कम एंड कलेक्ट इट। मिस्टर अशोक, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चला है कि मरने से पहले आशा का रेप 2 से ज्यादा आदमियों ने किया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आशा के नाखूनों में दूसरे लोगों का जमा हुआ लहू मिला, और इसी तरह उसके बदन पर दूसरे लोगों के टूटे हुए बाल मिले, जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खून करने वालों की उम्र 20 या 22 साल के दरमियान है। 20 या 22 साल के करीब। इस रिपोर्ट को संभाल कर रखिए, जब भी मुझे जरूरत होगी आपसे ले लूंगा। ओके, सी यू, बेस्ट ऑफ लक। कि खून करने वालों की उम्र 20 या 22 साल के दरमियान है।
अशोक, अशोक आओ प्रमिला बैठो। तुम कब तक अपने आप को अंदर ही अंदर जलाते रहोगे? घर में आग लगी हो तो इंसान उसे पानी से बुझा सकता है, मगर मन के अकेले भगवान ने कोई पानी बनाया ही नहीं। जितना भी बुझाने की कोशिश करो वो उतनी ही बढ़ती जाती है। मगर प्रमिला, आशा के केस ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। नया मोड़? हाँ, आशा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जो एविडेंस मिले हैं उनसे पता चलता है कि आशा का खून करने वालों की उम्र 20 से 22 साल के करीब है। क्या एविडेंस मिले? उसकी उंगलियों में कातिलों के बाल और नाखूनों में खून के ट्रेस पाए गए हैं। हो सकता है वो लोग उसके कॉलेज के साथी हो या बाहर के कोई और गुंडे लड़के हो। कुछ इस किस्म के लड़के जिन्होंने आशा से कभी बदतमीजी की हो और आशा ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्हें बेइज्जत किया, उसी का बदला लेने के लिए हो सकता है उन्होंने आशा को मार डाला हो। मेरी आंख में सुअर का बाल है, जिसके पीछे पड़ जाऊं उसका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ता। कौन? अशोक, अब मुझे याद आया, एक दिन मैं आशा को उसकी तस्वीरें लेने कॉलेज में गई थी। वहां उसके कुछ लड़कों से तूतू मैं हो रही थी और आशा ने गुस्से में आकर उनमें से एक को चप्पल से मारना चाहा। मैंने बीच में पढ़कर बात को आगे बढ़ने नहीं दिया, मगर उस लड़के ने आशा को धमकी दी थी कि वो उस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। कौन था वो, जानती हो उसका नाम? हाँ, वो सेठ मोहन राज का लड़का था, साथ में उसके साथ ही भी थे। सेठ मोहन राज का लड़का और साथ में साथी? हाँ। पर प्रमिला, आज तक तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? आशा ने मना कर दिया था तुम्हारे गर्म दिमाग की वजह से। उसने कहा था कि कॉलेज की बात है, कॉलेज तक ही रहने दो, भैया के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अच्छा प्रमिला, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? हाँ बताओ।
मिस्टर अशोक, खून और बालों के नमूने जो आप लाए हैं, आशा के नाखूनों में जमे हुए खून और बदन पर पाए गए बालों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। थैंक यू। यस सर। मिस्टर, इन चारों को आप पहचानते हैं? हाँ साहब, ये लोग यहीं ठहरे हुए थे। जवान जवान लड़के इतनी दारू पीते थे, तौबा तौबा तौबा। एक रात चार बोतल विस्की पीकर भी उनका पेट ना भरा तो चार बोतल थर्रा मंगाया उन्होंने। यू कैन गो। आपका नाम क्या है? रमेश। इंस्पेक्टर। यस सर। टेक स्टेटमेंट। ओके सर। तुमने इन चारों को प्रेम विहार होटल में देखा था? हाँ साहब, हमने उन चारों को दारू के नशे में खूब मस्त देखा था। वो बूटा गा रहा था, नाच रहा था। ठीक है, आज मैं आप चारों को आजाद कर रहा हूँ। भगवान आपका भला करे। खुदा आप जैसा नरम दिल सभी पुलिस इंस्पेक्टर को दे। और एक बात गौर से सुनिए, आप चारों को कोर्ट में आकर वही बयान देना होगा जो बयान यहाँ दिया है कि वो चारों लड़के उस होटल में उसी दिन कमरा नंबर 106 में ठहरे हुए हैं। हम देंगे सर, आप जब भी हुक्म करेंगे हम सर के बल चले आएंगे। मैं तो उस दिन होटल में चारों को देख के समझ गया था कि ये लोग कुछ बदमाशी करने आए हैं। और आप लोग भी याद रखिए, आप उम्र के उस मकाम पर आ गए हैं जहाँ इंसान दादा और नाना कहलाता है, और दादा नाना अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, सीधा रास्ता दिखाते हैं, उनके कमरों में झांका नहीं करते। सर हम कसम खाते हैं कि आज के बाद अपनी बीवी के अलावा हम किसी और औरत को नहीं देखेंगे, उनको माँ बहन समझेंगे। गुड, आई होप यू मीन इट। सर आई सर्टेनली मीन इट। यू कैन गो। प्लीज ऑल ऑफ यू गो नाउ, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। ये माल कहाँ से लाया? रास्ते से। रास्ते से? जरा मेरा चक। इंस्पेक्टर तुम और यहाँ? आपके बेटे से मिलने आया। मेरे बेटे श्रीकांत से? क्यों? श्रीकांत से आशा के खून के बारे में कुछ मालूमात हासिल करने आया हूँ। मगर आशा के खून से मेरे बेटे का क्या ताल्लुक है? नहीं, वैसे ताल्लुक तो नहीं है, मगर आशा और आपका बेटा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना, हो सकता है उससे बातचीत करने पर कातिलों का कुछ अता पता मिल जाए। ओ, अच्छा, आइए। तुम इधर ही ठहराओ। यस सर। राम 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 राम। बेटे श्री, रात को बच्चे दूध पीकर सोया करते हैं, तुम ये बेहुदा चीज क्यों पी रहे हो? अगर माँ की नसीहत मानकर ये सिर्फ दूध पिएगा तो फिर इसे लड़कियों की इज्जत लूटने और उनका खून करने का जोश कहाँ से आएगा? इंस्पेक्टर, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये कोई खूनी है। कोई नहीं, यही खूनी है। इंस्पेक्टर, अपनी जबान को लगाम दो। करोड़पति बाप के बेटे कच्छ विस्की पीते हैं, दूध नहीं। लगता है ये खाकी वर्दी पहनकर और देसी दारू पीकर तुम किसी गलत घर में घुस आए हो। खाकी वर्दी वालों का देसी दारू वालों से बहुत पुराना रिश्ता है। कभी दारू की भट्टी गिराते हैं और कभी लोगों की चढ़ी हुई उतारते हैं। उस दिन प्रेम विहार होटल में जब स्कॉच विस्की कम पड़ गई थी तो तुमने देसी दारू मंगा कर चढ़ा ली थी। मैं वही दारू उतारने आया हूँ। मिस्टर श्रीकांत, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरा बेटा खूनी है? सबूत चाहिए? ये नाखूनों के निशान इसके जुल्म और इसके कातिल होने की गवाही दे रहे हैं। जब आशा इस वैश्य के जुल्म को बर्दाश्त न कर सकी तो उसने अपने नाखूनों के हथियार से अपनी इज्जत, अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिश की। वो तो चली गई, मगर इसके जुर्म और इसके गुनाह की कहानी इसके सही पर लिख गई, और यही सबूत है कि ये कातिल है। इंस्पेक्टर, मैं इस शहर के सबसे इन्फ्लुएंशियल और बड़े से बड़े आदमी से ताल्लुकात रखने वाले सेठ मोहन राज का बेटा हूं। अगर तुमने मुझे हथकड़ी लगा दी तो याद रखो, उसके साथ साथ तुम्हारी ये वर्दी भी उतर जाएगी। चुप! तुम्हारे इन्फ्लुएंस और ताल्लुकात की धमकियां उनको देना जो तुम्हारी सिफारिश के मोहताज है। इंस्पेक्टर अशोक अपनी ईमानदारी और सच्चाई के बल पर जिंदा है। इंस्पेक्टर! चलो। इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार न करो।
इंस्पेक्टर, आज तुमने मेरे बेटे को हथकड़ी नहीं लगाई बल्कि अपनी तबीयत को हथकड़ी लगा दी है। तकदीर की हथकड़ी दौलत वालों के पास नहीं बल्कि दौलत देने वाले के हाथ में होती है। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हो? मेरी नौकरी छुड़वा सकती हो, मगर अमीर गरीब के मुंह से रोटी नहीं छीन सकता, उसकी तकदीर नहीं छीन सकता। वर्दी छीन सकता है, मगर दिल से फर्ज और सच्चाई का जज्बा नहीं छीन सकता। इंस्पेक्टर अशोक अंधा है, गिरफ्तार करते वक्त ये नहीं देखता कि हाथ अमीर का है या गरीब का, ताकतवर का है या कमजोर का। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। चलो श्रीकांत, अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब ठीक से नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पैर से लेकर सर तक, शरीर के हर हिस्से से तुम्हारा दौलत का गुरूर ऐसे निचोड़कर निकाल दूंगा जैसे गीले कपड़े से पानी निचोड़कर निकाला जाता है। बोलो, बताओ आशा का खून किसने किया? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बोलो। कहा ना, मुझे नहीं मालूम। तुम? मुझे भी नहीं मालूम। तुम भी नहीं बताओगे? नहीं बताओगे तो क्या करोगे? सिर्फ मारोगे ना, हाथ से, डंडे से, जान से तो नहीं मारोगे ना? या खून करने का पावर भी तुमको मिल गया इंस्पेक्टर? पुलिस खून नहीं करती बल्कि खून करने वालों का मुंह खुलवाकर उनसे जुर्म का इकरार करवाती है, उन्हें अदालत से सजा दिलवाती है, मजलूमों को इंसाफ दिलाती है। पुलिस जनता की सेवक है और तुम जैसे हैवानों के दुश्मन। आज मैं तुम लोगों की जुबानें खुलवा कर रहूंगा। तुम बताओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। बताओ। मैं सब कुछ बता दूंगा, सच सच बता दूंगा। कबूतर, तुम झूठ को सच बताकर पकड़ कर दो, मैं तुझे जान से मारूंगा। काशिबर, इन सबको अंदर डालो, ले जाओ इनको। बैठ जाओ। अब बता। सर, मेरा गला सूख गया है, एक गिलास पानी पिला दीजिए। कांस्टेबल, एक गिलास पानी लाओ। घबराओ मत, तुम आशा के खून के बारे में सब कुछ बताओ जो भी तुमने देखा। वो तीनों तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा जिम्मा है। बोलो, घबराओ मत, बोलो, पियो, पानी पियो। अब बताओ। सर, श्रीकांत की नजर आशा पर बहुत पहले से थी, उसे पहले ही मालूम था आशा और अर्जुन हनीमून के लिए जाएंगे और प्रेम विहार होटल में ठहरेंगे, और उस दिन वो हमें भी जबरदस्ती अपने साथ प्रेम विहार होटल में ले गया। फिर उस दिन बहुत हो गई एक्सरसाइज, चलो चाय पी लेते वरना ठंडी हो जाएगी। हाँ, अच्छा अर्जुन, आज घूमने का क्या प्रोग्राम है? भैया, मेरा प्रोग्राम तो बहुत सीधा साधा और आसान है, दरवाजा बंद करके दिन भर कमरे में पड़े रहेंगे। अच्छा, क्या हम इसीलिए आए हैं? तो फिर किस लिए आए हैं? यू नॉटी बॉय। अच्छा सर, आप जो हुक्म करें हमें मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। अच्छा, कैसी शर्त? एक मीठी मीठी सी पप्पी दो ना। नो 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 नो। ठीक है, तो घूमने का प्रोग्राम भी कैंसिल। तरह अर्जुन, पहले एक मीठी मीठी सी पप्पी। नहीं, पहले एक मीठी मीठी सी पप्पी। हाँ, जानो ना। हाँ।
अरे आशा आशा अरे कहाँ जाओगी लो पकड़ लिया मैं तेरे पांव पड़ता हूं मुझे वापस जाने दे शराब यहां आने के बाद कोई वापस नहीं जाता कि हमारा काम बिगड़ता है आशा को खराब मत करना श्रीकांत को रोको मुझे मत मारना Ah!
इन लोगों ने आशा को मार डाला। जिस कश्ती में तुम लोग गए थे उस कश्ती वाले का नाम क्या था? जगन, उसका नाम जगन था सर। अच्छा, चल। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। कांस्टेबल, इसे इस कमरे में बंद कर दो। साले तुअर मोटे, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ मैंने देखा वो आपको बता दिया। जगन, एक इंसान के नाते, एक शहरी के नाते तुमने कानून की मदद की, सब कुछ सच सच बता दिया है। बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम यही बयान कोर्ट में भी दे दो तो। जरूर दूंगा सर, क्यों ना दूंगा, जब आप बुलाएंगे हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया। गुड इवनिंग। मैं यहाँ तुम्हारे गुड इवनिंग या बैड इवनिंग का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ, बल्कि एक मामला जो तुमने शुरू किया है उसे खत्म करने के लिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और मैं ऐसे लोगों से किसी मामले पर बात नहीं करता जो मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर आते हैं, मेरा इंतजार करते हैं और मेरा सलाम कबूल नहीं करते। तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम मोहन राज है। मैं इस देश के उन चंद लोगों में से हूं जो अपने दौलत के बल पर यहाँ के फैक्ट्रियों और मिलों की दुनिया पर राज करते हैं, जिन पर इस देश का भविष्य आस लगाया बैठा है। और तुमने ऐसे आदमी के घर में आकर उसके बेटे को गिरफ्तार करने की हिम्मत की, तुम्हारी बहादुरी वाकई मुबारकबाद के काबिल है। आपकी हिम्मत अफजाई और मुबारकबादी का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बड़ा आदमी जो अपनी दौलत से दुनिया पर राज करता है, वो मेरे दरवाजे पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा है। शर्म भी आ रही है और हंसी भी आ रही है, और दुख इस बात का है कि इस देश का भविष्य आप जैसे लोगों पर आस लगाया बैठा है, और खुशी इस बात की है कि मैंने अपनी सर्विस के दौरान आप जैसे मगरूर आदमी के खमन को तोड़कर यह एहसास दिला दिया कि वो भगवान नहीं सिर्फ इंसान है। तुम्हें जिस बात की खुशी हो रही है इंस्पेक्टर, ऐसी खुशियां बड़ी जल्दी दम तोड़ दिया करती हैं, क्योंकि आंधियों में टिमटिमाता हुआ दिया ज्यादा देर जल नहीं सकता।
तैरने की ताकत रखने वाले उसी तरफ तैर के जाते हैं जिस तरफ सैलाब के पानी का बहाव होता है। बहाव के खिलाफ तैरने वालों के हाथ टूट जाते हैं और कलेजा फट के उसमें से खून निकल आता है, समझे? हम वही सैलाब हैं, हमारे साथ बहो, हमारे खिलाफ नहीं। किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर खुद चलकर आई है इंस्पेक्टर। जिंदगी भर नौकरी के बाद या रिश्वतें लेने के बाद भी इतनी बड़ी रकम तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। मैं मानता हूं मेरा बेटा जिद्दी है, उसमें बचपना है, उसने हरकत की होगी। अगर तुम ये केस और ये सारे इल्जाम वापस ले लो, मेरे बेटे को छोड़ दो, तो मैं तुम्हें इससे दुगनी रकम दूंगा। इतनी नहीं बल्कि अपनी सिफारिश से मैं तुम्हें बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। बोलो क्या इरादा? कितने रुपए हैं? 10 लाख। मिस्टर मोहनराज, अगर मैं इस केस को वापस ले लूं और तुम्हारे बेटे को आजाद कर दूं, तब मुझे क्या दोगे? 20 लाख, 40 लाख। ठीक है, मैं उसे छोड़ देता हूं और मुझे आपसे एक पैसा भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी मांग है, वो पूरी कर दीजिए। बोलो, जो कहोगे बुला के दूंगा। मेरी बहन मुझे वापस ला दीजिए। बोलो मिस्टर मोहनराज, खामोश क्यों होगे? तुम तो सब कुछ लाकर दे सकते हो ना, दौलत के बल पर दुनिया पर राज करते हो। बोलो, मेरी बहन लाकर दे सकते हो? अगर नहीं तो क्या समझकर ये कागज के टुकड़े इस बॉक्स में भरकर मेरे दरवाजे पर आए हो? निकल जाओ यहां से। अगर दोबारा इस चौकर पर कदम रखा तो हथकड़ी लगाकर सड़कों पर घसीटते हुए जेल तक ले जाऊंगा। तुमने ये बैग फेंक कर मोहन राज को गाली दी है, उसकी ताकत, उसके वसीले, उसके दौलत को ललकारा है। अब देखना मोहन राज की दौलत तुम्हें क्या रंग दिखाती है। मैं इस दौलत की चाबी से अपने बेटे को आजाद कराऊंगा, वो तुम्हारे सामने मुस्कुराता हुआ निकल जाएगा और तुम मायूसी से खड़े अपने किस्मत पर थूकते रहोगे। ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर मोहनराज। और अगर हमारे देश का कानून और इंसाफ तुम्हारी दौलत के सामने हार गया तो मैं अपने हाथों से तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा, और चाहे उसके बाद कानून मुझे ही फांसी क्यों ना दे दे। ऐसा गेट आउट, शट अप, गेट आउट। ए सलाम साहब, कौन हो तुम? मोहनराज जी का ड्राइवर हूं साहब। ये क्या है? श्रीकांत जी के लिए खाना लेके आया हूं जी। दुनिया का खून चूसने वाले बाप ने खूनी बेटे के लिए स्पेशल खाना भेजा है। हवलदार। यस सर। ये चेक कर लो, कहीं इसमें भी तो किसी का खून भर के नहीं आया है। लाकअप में ऐसा खाना किसको नसीब होता है? अरे मैं बेटा किसका हूँ? सेठ मोहन राज का, जिसके एक इशारे पर बड़ी सी बड़ी कुर्सी वाला नीचे गिर जाता है और नीचे वाला ऊपर कुर्सी पे आ जाता है। अगर वो चाहे तो। श्रीकांत ये देख, डैडी यू आर ग्रेट। इंस्पेक्टर साहब वो तो घर चले गए, आपको उनसे कुछ कहना है? नाम बताइए। ठीक है मैं कह दूंगा। तुम लोगों ने हवलदार साहब, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूँ कि आशा का खून किसने और कैसे किया, लेकिन ये लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हवलदार साहब मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे यहाँ से निकालो वरना लोग मुझे जान से मार डालेंगे। प्लीज। ठीक है, गुलाब से इसे उस लाकर में बंद कर दो।
श्रीकांत याद रखो, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो हम तुम्हारी जबान हमेशा के लिए बंद कर देंगे, तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे। अरे जा जा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं सच बताते ही रहूंगा। हेलो हेलो, मेजगांव पुलिस स्टेशन। क्या राम नाम का लड़का भाग गया? एक मिनट ठहरी। क्या साहब? कंट्रोल रूम से मैसेज आया है, नोट कर लो। सस्पेंड? मुझे? ये क्या सर, मुझे सस्पेंड किया जा रहा है? हाँ, तुम पर इल्जाम है कि अपनी बहन के खूनी से बदला लेने के जोश में तुमने मुलजिमों को लॉकअप में बहुत बुरी तरह मारा, जिससे लॉकअप में दामोदर की मौत हो गई। नो सर, इट इज इम्पॉसिबल। वो मेरे मारने से नहीं मरा, बल्कि कुछ लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ताकत और दौलत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लोग अपनी ताकत और दौलत का नाजायज फायदा नहीं उठा रहे, बल्कि तुम अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर लोगों पर जुल्म कर रहे हो। पुलिस का काम सिर्फ मुजरिमों को तलाश करना और गिरफ्तार करना है। वो मुजरिम है या बेगुनाह है, ये साबित करना अदालत का काम है, तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारी वजह से हमारे डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी हुई है। सर, लोग मुझे रोडी इंस्पेक्टर कहते हैं, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि अपनी बहन के खून का बदला लाकर मैं किसी बेगुनाह के खून से लूं। आई डोंट वॉन्ट एनी मोर एक्सप्लेनेशन। ये रहा तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर, यू कैन गो। मोहनराज, आज तुमने अपनी दौलत के बल पर अपने वसीले के सहारे से मुझे नाकाम कर दिया, मेरी वर्दी छीन दी। मगर याद रखो, कल जब अर्जुन होश में आ जाएगा तो दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरी बहन का कातिल तुम्हारा बेटा है, और अपने बेटे को बचाने के लिए लाकअप में दामोदर का खून करवाने वाले तुम हो। बाप बेटे दोनों फांसी पर लटक जाओगे। मैं हर बीमारी का इलाज अपने जेब में लिए घूमता हूँ बेटे, मुझसे दूर रहो, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। ऐसे गायब कर दूंगा कि दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि अशोक नाम का इंस्पेक्टर कभी इस दुनिया में था। क्या तुम चाहते हो मैं उसकी जान ले लूं? तुम मुझसे अपनी बीवी से कत्ल करवाना चाहते हो? हाँ, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है मेरे पास, और तुम्हारे अलावा कोई दूसरा ये काम कर भी नहीं सकता। वो मेरा भांजा है, मेरे भाई का बेटा है, मेरा खून है, और मैं अपने खून का खून कर डालूं? हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्ते का खून है और तुम्हारा बेटा तुम्हारा अपना खून है, और अगर अपने खून को जिंदा रखना चाहती हो तो तुम्हें रिश्ते के खून को खत्म करना ही होगा। वैसे अर्जुन है क्या? एक लाश जो सिर्फ सांसें ले रही है, उसे खत्म करने के लिए न तुम्हें गोली मारने की जरूरत है, न जहर देने की जरूरत है, बल्कि वो छोटी सी जो ऑक्सीजन की नली है उसे निकालना है सिर्फ 2 मिनट के लिए और किस्सा खत्म। तो क्या वो नली निकालना खून ना होगा? देखा, वो नली इस वक्त अर्जुन की नाक में नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत की नाक में लगी हुई है, और अगर वो बच गया तो समझ लो कि तुम्हारी किस्मत मर गई। होश में आकर वो बयान देगा और तुम्हारे बेटे को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। श्रीकांत को बचाने के लिए मैंने उसके हाथों लॉकअप में खून करवाया है, ये एक आखिरी खून है, रेखा तुम्हें करनी पड़ेगा, वरना समझ लो कि एक तरफ बेटा मारा जाएगा और दूसरी तरफ बदनामी के डर से तुम्हारे पति को खुदकुशी करनी पड़ेगी शायद।
He has to kill himself. He has to commit suicide. भाभी, कब तक तुम इस तरह बैठकर अपने बेटे के लिए? भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो? हो जाने दो, मुझे मर जाने दो, मगर मेरे बेटे की जिंदगी बच जाए। अगर मेरी जान लेकर मेरा बेटा बच सकता है तो भगवान अभी इसी वक्त मुझे मौत दे। कैसी बातें करती हो भाभी? तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो जरूर बच जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बेटे की जिंदगी पर मेरे बेटे की जिंदगी निर्भर है। उठो भाभी, देखो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ, उठो मुंह हाथ धो लो। मुझे भूख नहीं है। बच्चों की तरह जिद नहीं किया करते, उठो तुम मुंह हाथ धो लो, तब तक अर्जुन के पास मैं बैठती हूँ। हाँ मेरी अच्छी भाभी, जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिस्टर। यस। मेरा सेब गिर गया है, जरा पकड़ा तो दीजिए। अशोक, तुम कब आए? अभी आए। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्यों? इसने अपनी वर्दी की धौंस दिखाकर मेरे बेटे को अपनी बहन के खून के जुर्म में जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया है। भाभी, मैं इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहती। वैसे भी श्रीकांत भूखा होगा, मुझे लॉकअप में उसके लिए खाना भिजवाना है। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। अरे, ये ऑक्सीजन ट्यूब किसने निकाला? क्या ऑक्सीजन ट्यूब? नहीं, डॉक्टर, डॉक्टर! डॉक्टर, सॉरी। You may proceed. बीरबल जी, इंदिवर, प्यारे लाल और बहादुर सिंह, क्या यह सही है कि पिछले 18 दिसंबर को तुम लोग प्रेम विहार होटल में ठहरे हुए थे? जी हाँ, ठहरे हुए थे। क्या यह जोड़ा भी उस दिन उसी होटल में ठहरा हुआ था? हाँ सर, ठहरा हुआ था। योर ऑनर, इस पॉइंट को भी नोट कर लिया जाए, ये मुलजमीन श्रीकांत, रवि, जानी और दामोदर जो लॉकअप में मर गया, इन चारों को भी वहां देखा था? देखा था या नहीं देखा था? नहीं साहब, हमने नहीं देखा। आई स्वेर, ये शक्लें हम पहली बार देख रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर, इन्होंने खुद कबूल किया है इन चारों को वहां देखा था। ऑर्डर, ऑर्डर। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस। तुम चारों ने इंस्पेक्टर अशोक को जो बयान दिया था उसमें यह कबूल किया था कि तुमने श्रीकांत, रवि, जानी और दामोदर, उन चारों को प्रेम विहार होटल में 18 दिसंबर को अपनी आंखों से देखा था। बोलो, यह बयान दिया था कि नहीं? सच बताऊं सर, हमने डर के मारे दिया था,
लेकिन पुलिस को हमें ऐसे मारने का कोई हक नहीं। डंडे से, जूते से, घूसे से, कहां कहां नहीं मारा, मां के नीचे गिरा दिया। गुंडे भी इतना नहीं मारते जो इंस्पेक्टर ने मारा। और साहब, अगर हम इसकी बात को कबूल ना करते तो ये हमें कब का जान से मार चुका होता। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए, आप लोग जा सकते हैं। अच्छा सर, तुम्हारा नाम क्या है? जगन सर। तुम इन लोगों को जानते हो? सर, रोज 50 लोग आकर बोट में बैठते हैं, मैं नहीं जानते इन लोगों को। तो फिर तुमने ये बयान कैसे दिया कि तुमने 18 दिसंबर को इन्हें देखा था? इनके कपड़ों पर खून के छींटे पड़े हुए थे और इन्होंने तुम्हें जबान बंद रखने के लिए 1000 रुपए भी दिए थे। साहब, अब क्या बोलना, आपको कभी खाकी वर्दी वालों से वास्ता नहीं पड़ा, ये डंडे के जोर पर बेगुनाह से कत्ल कबूल करवा लेते हैं। मैं तो जान बचाने के लिए बोल दिया साहब। डॉक्टर आनंद, आप उस लेबोरेटरी के इंचार्ज हैं? जी हाँ। इंस्पेक्टर अशोक, आशा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आपके पास रखवा गए थे वो कहाँ है? जी नहीं, वो रिपोर्ट इंस्पेक्टर अशोक अपने साथ ले गए थे। आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर आनंद। जी नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये झूठ है, सरासर झूठ है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, सरकारी वकील गवाह पर नाजायज दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। श्रीकांत तुम्हारे होटल में ठहरा था? श्रीकांत हमारे होटल में नहीं ठहरा था, उसका नाम लेजर में नहीं है। तुम झूठ बोल रहे, तुमने ये लेजर बदल दिया। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। दीवान, मुझे डर लग रहा है, अगर कहीं ये साबित हो गया कि रिश्वत लेकर हमने झूठी गवाही दी है तो गए 12 के भाव में। चुप कर, बेवकूफ के बच्चे, चारों तरफ काले कोट वाले कानून के सामने बैठे हैं। अगर किसी ने सुन लिया ऐसे डंक मारेंगे तेरे खानदान का पता नहीं चलेगा। इस अदालत में श्रीकांत, जानी, रवि और मरहूम दामोदर, जिसकी मौत लॉकअप में वाकई हुई, इन चारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है कि इन्होंने मरहूमा आशा के साथ बलात्कार किया, फिर उसका खून किया, उसके पति अर्जुन को बुरी तरह घायल किया, जिसकी मौत हॉस्पिटल में वाकई हुई। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये साबित करने में नाकाम रहे और गवाहों के बयानात से भी ये साबित होता है कि ये चारों मुल्जमीन उस वक्त इसी शहर में थे, लिहाजा यह अदालत गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि श्रीकांत, रवि और जानी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए यह अदालत इन तीनों मुल्जमीन श्रीकांत, रवि और जानी को बाइज्जत बरी करती है। क्या अशोक, मोहन राज की दौलत को ठोकर मारने का अंजाम देख लिया? किस्मत तुम्हारे मुंह पर ठोकर मारकर चली गई। मोहन राज के दौलत के कदमों के तले तुम्हारी वर्दी रौन दी गई। तुम्हारी अदालत, तुम्हारा कानून, तुम्हारा इंसाफ मोहन राज से हार गया, उसकी दौलत, उसका वसीला जीत गया। मिस्टर अशोक, तुम हार गए। यू हैव लॉस्ट द बैटल, यू हैव लॉस्ट इट। आशा, आज उन्होंने अपनी दौलत की धूल से कानून को अंधा कर दिया। खरीदे हुए गवाहों से अदालत के हाथों इंसाफ का खून करवा दिया। आज कानून, इंसाफ, अदालत सबने दौलत के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन मैंने नहीं टेके आशा। उस अदालत ने उन्हें छोड़ दिया, मगर मेरी अदालत उन्हें सजा देगी। उस अदालत ने उन्हें बेगुनाह साबित किया और अब मेरी अदालत उन्हें सजाए मौत देगी। अशोक, ये क्या कर रहे हो? मैंने इस वर्दी वाले अशोक को मारकर इसे इस वर्दी के खेत से आजाद कर दिया। अब ये आजाद अशोक जहां कानून नहीं जा सका वहां जाएगा, जहां मुजरिम अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं उन जश्न वालों को कफन पहनाने के लिए पहुंच जाएगा। जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? अपनी मासूम बहन का दहशतनाक अंजाम देखने के बाद मुझे दुनिया के किसी अंजाम से डर नहीं लगता। नहीं,
हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे रास्ते से हटाना है तो पहले गोली मेरे सीने में दाग दो, उसके बाद जहाँ जाना है चले जाना। जंग की शुरुआत अपनी मोहब्बत के खून से करना, तुम्हारे माथे पे जीत के तिलक का काम करेगी। चलाओ गोली। प्रमिला, मैंने जीवन में प्रेम करके बहुत बड़ी भूल की। मैं जानता था कि मेरी प्रेमिका मेरी हरकतों से मायूस हो जाएगी। अभी भी वक्त है, तुम किसी से शादी कर लो। किस्मत ने बहन छीन ली, कानून ने मुझसे मेरी वर्दी छीन ली, अदालत ने इंसाफ छीन लिया, और अब मैं उन छीनने वालों से उनकी जिंदगी छीनने जा रहा हूं। नहीं अशोक। हट जाओ प्रमिला, मुझे मत रोको। अशोक, अशोक मेरी बात सुनो। अशोक, आज अशोक इंस्पेक्टर नहीं है जिसके हाथ कानून बांध सके, बल्कि एक बहन का भाई है जिसकी जान तुम ले चुके हो। आज मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गॉड, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो गुस्से में चला गया। मुझे डर है कहीं वो लड़कों का खून ना कर दे। प्लीज उसे रोकिए, वरना गजब हो जाएगा। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। लालच में आकर तुमने अदालत में इन तीनों को बचाने के लिए झूठी गवाही दी। आज इस मेरी अदालत में इन तीनों के लिए कब्रें खोदकर इन्हें दफनाना होगा। उठा फोड़े, वरना तुम लोगों को भी वही पहुंचा दूंगा जहां इन्हें पहुंचाया। उठाओ। हेलो, जी हाँ, क्या? हाँ हाँ, ओह कहाँ? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनते हो जी? क्या हुआ, क्यों घबराई भैया? श्रीकांत का एक्सीडेंट हो गया। क्या, कैसे? पार्टी से घर लौट रहा था, कार का एक्सीडेंट हो गया। चल 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 चल,
हे भगवान, आप ये किस बंजर इलाके में ले आए? मोहनराज आओ, अपनी दौलत के बल पर इस देश में फैक्ट्री की दुनिया में राज करने वाले मोहनराज, आज तुम्हें अपने बेटे की मोहब्बत इस जगह खींच लाई जिस जगह मौत का राज चलता है। बकवास कर रहा हूं। बकवास नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुमने आज तक जो बकवास की है, पाप किए हैं, उनका अंजाम दिखा रहा हूं। हे राम, कहां है मेरा बेटा? अरे डर क्यों रही है, कर क्या सकता है? ये कोर्ट में हमसे हार गया, किसी यानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रहा है, हमें तंग करके अपने दिल के छाले फोड़ रहा है। ये दो कौड़ी कंचन और कर क्या सकता है? गोलमरी, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। गोलमरी, अच्छा कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बेटे को? देखता हूं आज तुम्हारी दौलत में कितनी ताकत है। जिस दौलत से तुम गवाह खरीद सकते हो, जिस दौलत के बल पर तुम लोगों की जबान खरीद सकते हो, उनका ईमान खरीद सकते हो, जिस दौलत के बल पर तुम कानून खरीद सकते हो, इंसाफ की लिखाई खरीद सकते हो, आज देता हूं तुम और क्या क्या खरीद सकते हो। उधर देखो, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। क्यों मोहनराज, तुम तो अपनी दौलत से सब कुछ खरीद सकते हो ना, आज अपने बेटे की जिंदगी खरीद कर ला सकते हो? देखो देखो देखो, बेटा तो वही है, सिर्फ इसमें जान नहीं है। जाओ खोलो तिजोरी का मुंह, निकालो उसमें से लाखों करोड़ों की दौलत और खरीद लाओ इसके लिए जान। तुम तो बहुत इंप्रेस वाले आदमी हो, वसीले वाले आदमी हो, कानून से ज्यादा लंबे हाथ है तुम्हारे, तो इन लंबे हाथों से इसके लिए जिंदगी उठा लाओ, ला सकते हो? और तुम आज अपने बेटे की लाश देकर कलेजा फट रहा है। उस दिन एक मां को धोखा देकर उसके जवान बेटे अर्जुन को तुमने मार डाला। उस दिन तुम्हारे कलेजे में चोट नहीं लगी, वो औरत मां के नाम पर कलंक है जो दूसरी मां की गोद उजाड़ देती है। मां तो वो देवी है जिसके चरणों के नीचे स्वर्ग होता है, और तुम वो औरत हो जिसके चरणों के नीचे नरक भी आने से शर्मा जाएगा। अगर कभी किसी और जन्म में औरत का रूप लेकर पैदा हुई तो मां कभी मत बनना, क्योंकि मां अपनी औलाद को इंसान बनाती है, मगर तुमने अपने कोख से एक शैतान को जन्म दिया था। चलो आज दिखाओ दुनिया को कि तुम अमीर लोग सिर्फ दुनिया और कानून को ही धोखा नहीं देते, बल्कि अपने जवान बेटे की लाश को मिट्टी भी देते हो। चलो डालो मिट्टी, डालो मिट्टी। नहीं, डालो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। होगा मैडम, जरूर होगा, और नहीं होगा तो बेटे के साथ साथ तुम्हें अपना पति भी खोना होगा। मुझे माफ करना मेरे लाल, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। डालो मिट्टी, डालो। देख क्या रहे हो, खुदो कमरे दबा लो इन्हें। Thank you.
आ जाओ, देखो मैंने इंसाफ कर दिया, मेरी अदालत ने इंसाफ कर दिया। आशा आ जाओ, मैंने इंसाफ कर दिया, मेरी अदालत ने इंसाफ कर दिया। आशा मेरी अदालत ने इंसाफ कर दिया। अशोक, ये तुमने क्या किया? तुम कानून की रखवाली करने वाले हो, अगर तुम ही कानून का खून करोगे तो दुनिया कानून की क्या परवाह करेगी? नहीं जज साहब, मैंने कानून का खून नहीं किया है, बल्कि कानून का खून करने वालों का खून किया है, अदालत के इंसाफ का खून करने वालों का खून किया है। फिर भी ये जुर्म है अशोक, और दुनिया का कोई कानून तुम्हें बचा नहीं सकता। ना बचाए, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, लेकिन ये एक बात का ख्याल रखेगा जज साहब कि आइंदा कोई अमीर इंसान कानून की आंखों पर दौलत की पट्टी बांधकर उसे अंधा ना करे। अगर कानून ऐसे लोगों से धोखा खाएगा तो अदालत के हाथों इंसाफ के बजाय ना इंसाफी होती रहेगी, और लोग अपनी अलग अलग अदालतें बनाकर उसके कानून से इंसाफ करते रहेंगे। इंस्पेक्टर, प्रमिला मैं जा रहा हूं, शायद मैं कुछ मत बोलो। तुमने भले ही जुर्म किया, मगर इस जुर्म में भी समाज के लिए एक पैगाम देकर जा रहे हो। मुझे फक्र है मैं ऐसे इंसान से प्यार करती हूं, और इसके आने तक उसका इंतजार करती रहूंगी।